मंगलपुर थाना क्षेत्र के उड़नवापुर गांव के बाहर बगीचे में अधेड़ युवक का फांसी पर लटका मिला शव देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। माहौल में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सूचना मिलते ही मंगलपुर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोते बिलखते परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की और फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत इकट्ठे कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। वहीं मृतक के छोटे भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए मीडिया से बताया कि मृतक कल्याण सिंह अपने खेत पर धान की रोपाई के लिए खेत में जब पानी भरने के लिए गया तो देर शाम को खाना खाकर आराम से निकले थे और सुबह जब खेत पर जाकर देखा तो वो वहां पर नहीं मिला। उनको ढूंढने का प्रयास किया तो देखा कि गांव के बाहर बगीचे में फांसी के फंदे पर लटका उनका शव मिला। वहीं मृतक की मां ने रोते बिलखते हुए पत्रकारों को बताया है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। क्या घटना हो गई है? ये कौन है? ये हमारे बड़े भाई हैं। शाम को ये पानी लगाने जा रहे थे खेत पे, बोले कि सुबह धान लगने हैं तो हमने बोला कि तुम खेत पे मत जाओ, हमने कम सुबह लगाए हैं पानी, तो बोला कि तुम लेटो हम जा रहे हैं से, तो हमने जाओ तो ये वहाँ घर से निकल आए तो हम फिर घर पर लेट गए। तो सुबह हम फिर खेत पर गए, पहुँचे हैं ना तो खेत पर मुझे मिले नहीं कि उसका पानी लगना था, संपर्क कर रहा हूँ बोले जाके, हमने पूछा उनसे, ये बोले कि यहाँ तो आए निकल रहे, तो हमें पता है शाम को निकले थे यहाँ घर से, जब सुबह मैं अपने यहाँ दिखा के तो यहाँ पे वहाँ पे लगे हुए हैं तो कुछ फांसी लगा ली थी, अब कुछ फांसी लगाई नहीं कर रहे, अब पता नहीं क्या। क्या आपकी किसी में किसी से गांव में रंजन संजन वगैरह थे? आज रंजन सही कुछ नहीं क्या लगता है इस तरीके से जो शरीर लगता है इसे क्या मानते हैं कि फांसी लगाई है? फांसी नहीं लगाई सर, पता नहीं किसी ने मारी की दादी बता दी यहाँ। क्या लगता है एक आध दिन से किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव वगैरह था इनके? किसी से मानसिक वैसे कोई बात नहीं, किसी से मेरे सामने हुई। कौन कौन रहता है?